हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और आज हम बनाएंगे क्विक बिरयानी जिसमें एक भी तह हम नहीं देंगे, जिसे हम मटन तहारी कहते हैं। इसे आप मटन पुलाव भी कह सकते हैं। अब इस गोश्त के तहारी को बनाने के कई तरीके हैं। आज हम सबसे आसान तरीके से इसे बनाएंगे, यानी ज़्यादा डिब्बे शिब्बे भी हम नहीं खोलेंगे। अब इसे फटाफट बनाना है तो इसमें हमें गोश्त भी उस हिसाब का लेना है। हम इसमें कम हड्डी के साथ वाला गोश्त लेंगे, यानी सॉलिड पीसेस ज़्यादा रखेंगे और पीसेस का साइज़ भी हम बड़ा रखेंगे। लेकिन मैंने थोड़ी नली और हड्डी ज़रूर डाली है इसमें, क्योंकि मुझे पसंद है। लेकिन हमें इसे अगर जल्दी बनाना है तो आप गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। सबसे पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे, गोश्त को मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैंने डाला है 300 ग्राम दही। ये घर में जमाया हुआ गाढ़ा क्रीमी दही है और थोड़े खटास के साथ है। इसे खटास आने के लिए मैंने फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया था काफ़ी देर के लिए। अब साथ में हम डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं। साथ में हमें डालना है 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। यहाँ पर मैंने तहारी बनाने के लिए अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, सिर्फ गोश्त निकाला है और उसे मैं मैरिनेट कर रही हूँ। तो गोश्त जब तक मैरिनेट होगा हम सभी तैयारी भी कर लेंगे और बनाते भी रहेंगे। इसमें हमने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक डाला है। इसे मैरिनेट करके बाजू में रखेंगे और सबसे बड़ा काम करना है हमें प्याज तलने का। तो डायरेक्टली मैंने प्रेशर कुकर में डाला है 4 बड़े चम्मच तेल। उसमें हम 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 7 से 8 लौंग डालेंगे और 1 चम्मच शाही जीरा डालेंगे, 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे और आप चाहे तो 1 तेज़पत्ता भी डाल सकते हो, ना चाहे तो ना डालें। और 4 अदद हमें मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कर लेना है और उसे हमें अब तलना है ब्राउन होने तक। अब जब तक प्याज ब्राउन होती है हम क्या करेंगे, ये 4 टमाटर को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे। बीन्स भी मैंने हटा दिए हैं। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। बस आधा मिनट भुनेंगे और फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच नमक। इससे टमाटर का पानी जल्दी छूटेगा और इसे आसानी से भून सकेंगे हम। अब जहाँ पर भी टमाटर यूज़ करने हैं, मैं तो टोमेटो प्योरे यूज़ करती हूँ, बस आज आपको दिखाने के लिए मैंने टमाटर डाले हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि टमाटर हमें अच्छे से गलाने नहीं खुलाने हैं। तो फटाफट इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और कुकर का लिड बंद करेंगे और 1 विसल आने तक इसे हम प्रेशर कुक करेंगे ताकि टमाटर घुल जाए। और अब देखिए टमाटर उसके पानी में ही अच्छे से घुल कर तैयार है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे मैरिनेटेड गोश्त और थोड़ा भुनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इसे हम भुनेंगे ना दही अपना पानी छोड़ता जाएगा तो भुनने का मतलब तो होगा नहीं। तो बस इसमें हमने डाला है 150 ml पानी और 3 विसल आने तक हम गोश्त को गला लेंगे। दही के पानी में ही गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त गल चुका है और इसमें हम डालेंगे हमारे धुले हुए चावल, जिसे मैंने बस 10 से 15 मिनट भिगो कर रखा था जब तक हमारा गोश्त गल रहा था। तो बस इसे अच्छे से निथार के डालना है हमें और गोश्त में जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो चावल भुनते टाइम सारा सूख जाएगा। तो बस गैस की फ्लेम हम फुल रखेंगे और चावल को भुनेंगे। अगर हमने चावल को ज़्यादा देर भिगोया तो भुनते टाइम सारा टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा चावल अच्छे से भुन चुका है, पानी सारा सूख चुका है। इसमें हम डालेंगे 1-2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना। बस अब इसमें हमें पानी डालना है। तो यहाँ पर हमने लिया था 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल। चावल 5 ग्लास थे तो मैं पानी इसमें डालूँगी 11 ग्लास। तो हो सके तो पानी इसमें गर्म डालें, इससे क्या होगा चावल का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा और चावल हमारे पानी में जल्दी घूमना शुरू होंगे और तहारी हमारी खिली खिली बनेगी। तहारी बनाने के लिए लंबे चावल की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ाना के हमारे जो छोटे चावल होते हैं ना, उससे तहारी बहुत ही बेहतरीन बनती है। अब इसमें हमने डाला है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इससे लास्ट में डालने से और भी अच्छी खुशबू आएगी। चावल के हिसाब से आपको इसी टाइम पे 1-2 चम्मच नमक भी ऐड कर लेना है। चावल को हम फुल गैस पर पकने देंगे, गैस की फ्लेम हम बिल्कुल भी बारीक नहीं रखेंगे। और जब चावल का पानी सारा सूख जाएगा इस हद तक, तो इस पर हम ऊपर से डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना और इस पर लास्ट में हमें डालना है घी। घी डालने से हमारे तहारी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आएगी। तो अब इसे हमें दम देना है। तो इसके लिए क्या करें, गैस पर पहले तवा रखें एक मोटा, उसके ऊपर हमारा भगोना रखेंगे हम, और भगोने को कवर हमें कपड़े से कर सकते हैं या फिर आप ढक्कन रखने के बाद इसके ऊपर कोई पानी का बर्तन रख दें,
इससे हमारी तहरी बहुत ही बढ़िया दम हो जाएगी। और 15 मिनट के बाद देखिए हमारी तहरी दम हो चुकी है और इसका असल रंग रूप हमें समझ में आएगा डिश आउट करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए हमारी तहरी बहुत ही मज़े की बनी है, दिख भी मज़े की रही है। अगर आप चाहें तो थोड़ा और इस पर घी डाल सकते हैं। और इसका गोश्त देखिए थोड़ा रूखा लगता है, बिरयानी का जिस तरह से रसीला होता है ना वैसा नहीं होता, और इस रूखे गोश्त में भी एक अलग मज़ा होता है। तो आप तहरी बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। दही के रायते के साथ तो ये और भी मज़े की लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं भी आई है तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके सजेशंस दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम खुद से कनेक्ट हो जाएं।